हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फैक्टोरियल पर क्वेश्चन लेते हैं। आगे एक क्वेश्चन लिखा है थर्ड आपके सामने कि प्रूव दैट 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इनटू 3 इनटू 5 इनटू 2n माइनस 1 इनटू 2 के पावर n। यानी इसको देखने पे हमको क्या पता चल रहा है कि फैक्टोरियल को ओपन किया गया होगा तो हम लोग इस वाले को लेते चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, उसको भी लेके चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों लेके आ चल सकते हैं। पहले इसको लेके चलते हैं, तो n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल। 2n का फैक्टोरियल का मतलब क्या कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये कहां तक जाएगा मल्टीप्लाई होते होते 2 n तक, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर जो होता है जैसे 10 होता है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक जाता है 10 तक। अच्छा, 2n के जस्ट पहले वाला क्या होगा नंबर, उससे एक कम होगा, और यहां पे है आपका n का फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 ये n तक, इसके पहले वाला भी एक लिख लेते हैं इंटू n माइनस 1। अब देखिए इधर क्या 1, 3, 5 ये थोड़ा अलग दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 को अलग लिख लेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 5 यानी जो आठ नंबर है इंटू 7 और ये कहां तक जाएगा 2n-1, ये भी आठ नंबर होगा, इसको अलग लिख लेते हैं। क्यों अलग लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पे हमको लाना है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में आपका क्या बचेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 और डॉट 2n, ये आपका मल्टीप्लीकेशन में बच जाएगा 2 इंटू 4, इसको अलग कर लिया, और लास्ट वाला क्या होगा 2n, इसको हम लोगों ने अलग कर लिया, और ये 1 इंटू 2 ये फैक्टोरियल n नीचे ऐसे है। अब 1 इंटू 3 इंटू 5 2n-1 इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमको तो लाना ही लाना है। आप क्या करते हैं, अपना जो ये दूसरा ब्रैकेट है 2 इंटू 4 इंटू 6, इससे क्या करते हैं दो दो सबसे अलग कर लेते हैं, यहां से दो अलग करेंगे इसको 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 3, चलिए लिख देता हूँ, एक 2 इंटू 1 हो गया पहला, दूसरे को 2 इंटू 2, तीसरे को 2 इंटू 3 और लास्ट वाले को 2 इंटू n, और इसके पहले क्या होगा 2n के, क्योंकि इवन नंबर है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 2n के जो जस्ट पहले वाला होगा वो 2 कम होगा इससे, यानी इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा 2n-2, ये 2 इंटू 1 ये लिखा है। और अपन आप फैक्टोरियल को चाहे ओपन करके लिखें चाहे ऐसे लिखकर रहने दीजिए फैक्टोरियल n, फिर क्या करते हैं इसको तो डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमको आरएचएस में लाना ही लाना है। फिर ये यहां से 2 निकालते हैं, यहां से 2 सारे ब्रैकेट से 2 निकालते हैं, कितने ब्रैकेट हैं 3 तक अगर गया 2 इंटू 3 तक गया तो 3 ब्रैकेट मिला, 2 इंटू 4 तक जाते तो 4 ब्रैकेट, 2 इंटू n तक गए हैं तो कितने ब्रैकेट मिले हैं n ब्रैकेट, तो ये 2 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और बचा क्या इंटू, बचा मैं लिख देता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n-1 इंटू n, ये बचा, और आपका यहाँ पे फैक्टोरियल n ऑलरेडी है, ये 1 इंटू 3 इंटू n-1 ये फैक्टोरियल n, और ये फैक्टोरियल n आपका कैंसिल हो गया। मैं इधर लिख देता हूँ क्या बचा आपका 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 2n-1, ये हो गया आपका पूरा, और 2 2 2 n बार मल्टीप्लाई है तो 2 के पावर n, आप देखिए आरएचएस में यही लाना था। तो एक बार और देख लेते हैं,
ये फैक्टोरियल को ओपन करने के बाद ये कहानी आई होगी, तो 2n को ओपन करिए, 2n फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 2n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे फैक्टोरियल n है आप ओपन करिए या ऐसे रखिए। फिर क्या करते हैं 1 into 3 यानी 8 नंबर को अलग कर लेते हैं, 1 into 3 into 5 डॉट डॉट 2n minus 1, इसको क्या कर लिए अलग कर लिए, तो सारे इवन नंबर बच गए यानी 2 into 4 into 6 into डॉट डॉट 2n। अब क्या करते हैं यहाँ पे हर ब्रेकेट से दो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसको दो को क्या लिखेंगे, दो इंटू एक, दो बड़े एक, चार को लिखेंगे टू इंटू टू, छह को टू इंटू थ्री और डॉट डॉट टू इंटू एन। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, और नीचे फैक्टोरियल एन है, ये तो ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए क्योंकि वो हमको लाना है, और यहाँ से हर ब्रेकेट से दो निकाल लीजिए, तो 2 into 3 तक अगर जाते हैं आप तो तीन ब्रैकेट मिलता, 2 into 4 तक जाते हैं तो चार ब्रैकेट, 2 into n तक गए हैं तो कितने ब्रैकेट हैं, n ब्रैकेट हैं, और सारे सिर्फ दो दो मिल रहे हैं तो दो दो मल्टीप्लिकेशन में आपको कितनी बार मिलेंगे, n बार मिलेंगे। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, और बचेगा क्या, यहाँ दो निकालेंगे एक, 1 into 2 into 3 into dot 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 n minus 1 into n। तो ये क्या हो गया आपका फैक्टोरियल n है, और ये नीचे भी फैक्टोरियल n है, तो ये कैंसिल हो गया आपका, ये बचा ये RHS आपका प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ एन प्लस टू फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो आपको क्या दिया है, n प्लस टू का फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ये इक्वेशन आपको दिया है, n में एक इक्वेशन दिया है, सिंपली फैक्टोरियल में इक्वेशन दिया है, आपको n कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे n प्लस टू बड़ा वाला फैक्टोरियल है, n माइनस वन छोटा है, तो ओपन करेंगे किसको, बड़े वाले फैक्टोरियल को, कहां तक, दोनों साइड अगर इक्वल फैक्टोरियल या इधर भी n माइनस वन बना ले तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस टू को अगर आप ओपन करें तो पहला क्या होगा, n प्लस टू, अगला नंबर मल्टीप्लाई में इससे एक कम होगा, तो n प्लस टू से एक कम करेंगे क्या होगा, n प्लस वन होगा, अगला एक कम करेंगे तो क्या होगा, n होगा, फिर अगला एक करेंगे तो क्या होगा, n माइनस वन होगा, फिर अगला एक करें तो क्या होगा, n माइनस टू होगा, फिर अगला एक करें तो n माइनस थ्री होगा, और ऐसे कहां तक जाएगा ये 3 इंटू टू इंटू वन तक जाएगा, और ये क्या लिखा है 60 इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लिखा है आपका n माइनस वन से लेके एक तक का मल्टीप्लीकेशन, ये 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू डॉट एन माइनस वन, यानी फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, तो ये n माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा है, n प्लस टू एन प्लस वन इंटू एन, और अगले स्टेप में n माइनस वन का फैक्टोरियल बचेगा, हम लोग सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने दिखाने के लिए ओपन कर दिया, आप क्या करेंगे, जो ओपन करेंगे तो वहीं तक करेंगे जहां तक ये जरूरत होगी, n माइनस वन एन माइनस वन खत्म हो गया आपका, n प्लस टू एन प्लस वन इंटू एन इक्वल टू 60। तो ये देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n में क्यूबिक इक्वेशन आएगा, फिर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा, तो आप वैसे जा सकते हैं, या आप ये देखिए ये जो इधर मल्टीप्लाई है ये तीन नेचुरल नंबर्स ही मल्टीप्लाई है, और तीनों नेचुरल नंबर्स क्या हैं, या उससे एक ज्यादा और उससे एक ज्यादा, तो अगर इसको भी आप अगर उसी तरीके से लिख पाएंगे तीन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, और तीनों क्या हो लगातार हो, जैसे तीन चार पांच, चार पांच छह, तो 60 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, लिखने की कोशिश करिए।
फोर इंटू फाइव इंटू थ्री अगर करें तो ये 60 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 60 को कैसे लिख देंगे, ये यानी n प्लस टू एन प्लस वन इंटू एन इक्वल टू क्या, 60 को क्या लिख देंगे हम 5 इंटू फोर इंटू थ्री, क्योंकि हमको पता है n की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगी, और ये 60 को अगर ऐसे ही ब्रेक ऐसे ही तीन पार्ट में तोड़ लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो फिर वेरी इजी हो गया। आप कंपेरिजन आप करेंगे तो n प्लस टू की 2 के जगह पे क्या है 5 है, n प्लस वन की जगह पे क्या है 4 है, और n के जगह पे क्या है 3 है, यानी n की वैल्यू आपकी क्या आ गई सीधा सीधा 3। तो अगर आप यहाँ से क्यूबिक अगर सॉल्व करते यहाँ पे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, तो ये कंपेरिजन जो है करके आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप का अगर कहीं पे क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट फैक्टोरियल एन प्लस वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन टू एंड एन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर्स बिटवीन टू एंड एन। ये यहां पे क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल n है उसमें एक आपने जोड़ दिया, यानी फैक्टोरियल n की जो वैल्यू आ रही है आएगी उसमें आप एक जोड़ दीजिए, जो नंबर बनेगा वो कह रहे हैं कि 2 और n के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है कि जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो थोड़ा फैक्टोरियल n प्लस 1 को हम लोग समझते हैं, फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है 1 इंटू 2 इंटू थ्री इंटू फोर, और ये कहां का मल्टीप्लाई n माइनस 1 इंटू n। आप फैक्टोरियल n एक बार देखिए और एक बार इसको देखिए, आप देखिए कि फैक्टोरियल n की केवल अगर बात करी जाए, फैक्टोरियल n इसको देखिए, आपको कोई भी नंबर दिया जाए 2 से लेके n तक, कोई भी नंबर, तो आप अगर उससे डिवाइड करें कोई भी नंबर उठा लीजिए तो यहां आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर आपने कोई भी नंबर लिया फैक्टोरियल n को डिवाइड करने की कोशिश करी, यानी फैक्टोरियल n इज डिविजिबल बाय आर नेचुरल नंबर्स बिटवीन टू एंड एन। 2 और एन के बीच में कोई भी नंबर आप उठा के देखिए डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन में कहीं ना कहीं होगा और वो कट जाएगा, तो जो बाकी बचा वो आपका रिजल्ट आ गया, यानी डिविजिबल कंप्लीट डिविजिबल हुआ कि नहीं डिविजिबल हुआ। कोई भी नंबर आप देखिए, जैसे आप कुछ भी नंबर रखिए यहाँ पे 2 से लेके n तक, तो यहाँ सारे नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो आप जब उससे डिवाइड करेंगे तो उसी नंबर से डिवाइड करेंगे और ये जहाँ मल्टीप्लीकेशन में होगा वो और वो कैंसिल होके जो बाकी बचे इधर रहेंगे मल्टीप्लीकेशन में वो बच जाएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि फैक्टोरियल n 2 और n के बीच में जितने नंबर्स हैं सबसे नंबर्स का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स सबसे डिविजिबल है, ये कन्फर्म हो गया। अब आप एक चीज देखिए कि कोई भी नंबर मान लीजिए k,
लेट एनी नंबर के इज डिविजिबल बाय एम। के कोई भी नंबर है, ये एम से क्या है, डिविजिबल है। एंड आर इज ए नंबर सच दैट, आर एक नंबर आप लेते हैं एम से डिविजिबल है, तो आर हम इस हिसाब से लेते हैं कि उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो सकती है और हमेशा क्या रहेगी, एम से छोटी। यानी अगर कोई भी नंबर सौ से डिविजिबल है तो हम लोग ऐसी संख्या लेंगे, आर की वैल्यू क्या होगी, सौ से छोटी, निन्यानवे, अट्ठानवे, जीरो से लेके कोई भी संख्या हो सकती है। यानी अगर एम से डिविजिबल है तो हम कोई नंबर अगर आर लें कि एम से छोटा हो। और अब हम बात करें उस नंबर को जोड़ दें, क्या करें, के प्लस, सॉरी यहां पे हम लोग क्या करते हैं, के डिविजिबल बाय एम, के प्लस आर कर देते हैं, एक नया नंबर निकालते हैं के प्लस आर। के में क्या करते हैं, आर जोड़ देते हैं जो क्या है, एम से छोटा, एम से छोटा नंबर है। देन के प्लस आर इन डिवाइडेड बाय एम देन रिमाइंडर्स, रिमाइंडर कम्स इक्वल टू आर, यानी हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर आर आएगा। इस स्टेटमेंट को आप समझिए, बस इसमें दो ही चीज समझने की है। इस स्टेटमेंट को आप पहले मैं समझा लेता हूं कि आपने कोई नंबर, यहां पे देखिए ध्यान से, कोई नंबर आपने 100 लिया, ये मान लेता 100 इज डिविजिबल बाय 20, 100 20 से पूरा पूरा विभाजित होता है। अब हम एक नंबर कोई भी लेते हैं, आर उसको मान लेते हैं, ये जीरो से लेके 20 तक कुछ भी हो सकता है, लेस देन 20, 20 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी 20 जिस संख्या से ये डिवाइड किया जा रहा है उस संख्या से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए। तो अगर वही नंबर 20 ले लेते आप तो 100 से जोड़ के वो क्या हो जाता है, 20, 120 यानी 20 का मल्टीपल। लेकिन अगर आप उसको छोटी संख्या लेंगे और फिर आर को इसमें जोड़ें और फिर 20 से डिवाइड करें तो यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि 100 तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा और आर जो है आपका रिमाइंडर शेष पर आ जाएगा, शेष आ जाएगा, क्योंकि आर क्या है वो 20 से छोटा है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने इसी स्टेटमेंट को जनरलाइज करके लिखा है कि कोई भी नंबर आपका के हो, अगर किसी नंबर एम से डिविजिबल है, किसी नंबर एम से डिविजिबल है और आप आर कोई नंबर लेते हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एम से छोटा है, उसके इक्वल नहीं हो सकता, और आप के में आर को जोड़ दीजिए, के में आर को जोड़ने के बाद जब फिर आप एम से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, आर आएगा। तो इसी का यूज कर लेते हैं हम लोग, आपका जो फैक्टोरियल एन है ये डिविजिबल बाय आर नेचुरल नंबर बिटवीन टू एंड एन, दो और एन के बीच में। अब फैक्टोरियल एन इज आर नंबर्स बिटवीन टू एंड एन, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई यहां पे आपको दिया है फैक्टोरियल एन प्लस वन, इसकी वैल्यू ये पूछा जा रहा है। अब यहां पे हम लोगों ने जो जोड़ा वन, ये क्या है, दो से छोटा है, दो से छोटा है और दो के बाद तो बड़ी नंबर आएगी। यानी अब दो से एन के बीच में कोई भी नंबर से आप इसको जब
डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल एन तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये वन क्या होगा, वो हमेशा रिमाइंडर रहेगा, यानी किसी भी नंबर से, क्योंकि फैक्टोरियल एन तो सारे नंबर दो और एन के बीच से डिविजिबल हो रहा है, तो फैक्टोरियल एन पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और आपने अगर उसमें एक जोड़ दिया तो एक हमेशा क्या रहेगा, हमेशा रिमाइंडर रहेगा। तो यानी फैक्टोरियल एन प्लस वन इसको लिख देते हैं, इफ फैक्टोरियल एन प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर्स बिटवीन टू एंड एन, देन ऑलवेज रिमाइंडर कम्स टू इक्वल टू वन, यानी हमेशा शेषफल एक आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी नंबर से डिवाइड करो शेषफल एक आ रहा है, तो आप अगले स्टेप में कह सकते हो कि फैक्टोरियल एन प्लस वन इज नॉट डिविजिबल बाई, ये पार्ट पहले वाला है, इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर्स बिटवीन टू एंड एन। बस तो एक मिनट में इसकी समरी कर लेते हैं। लोगों को क्या बोला था कि जो फैक्टोरियल एन प्लस वन है, ये प्रूव करना है आपको कि ये दो और एन के बीच की किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है। फैक्टोरियल एन में एक जोड़ दिया, तो हम लोग पहले फैक्टोरियल एन को समझते हैं। फैक्टोरियल एन क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो एक से लेके एन तक सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं, तो आप एक से लेके एन तक कोई भी नंबर अगर डिवाइड करो तो वो तुरंत ही क्या करेगा, यहां मिलेगा उसको कैंसिल करके क्लियर एक नंबर दे देगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, फैक्टोरियल एन जो है सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है जो दो और एन के बीच में है, सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब फैक्टोरियल एन में हम एक और जोड़ रहे हैं, तो ये जनरल स्टेटमेंट आपको दे दिया कि के कोई नंबर है, अगर एम से डिविजिबल है और आर कोई नंबर है जो के से, जो जीरो से बड़ा और उसके इक्वल भी हो सकता है, और एन से क्या है छोटा है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा है, तो उससे छोटा नंबर अगर आप जोड़ेंगे तो हमेशा उस नंबर से फिर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आर आएगा। ये आपका हो गया। तो फैक्टोरियल एन डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स बिटवीन टू एंड एन, तो फैक्टोरियल एन प्लस वन क्या होगा, जब किसी भी नंबर टू और एन के बीच में डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। यानी फैक्टोरियल एन प्लस वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर्स बिटवीन टू एंड एन। तो इसके बाद जो है इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।